हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के थंबनेल देख के आप जान चुके होंगे कि आज मैं आप लोग की इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं आप लोग की इस वीडियो में ICP डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पास में बेल आइकन मिलेगा, उसे प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं, हम यहां ICP डिजिटल टेक्नोलॉजी का रिटेलर आईडी है, इसमें लॉगिन हो गए हैं। जी हां दोस्तों, हम यहां रिटेलर आईडी में लॉगिन हो गए हैं ICP डिजिटल टेक्नोलॉजी का मोबाइल ऐप में। जी हां दोस्तों, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या क्या सुविधा मिलता है जो हम कस्टमर को दे सकते हैं। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा फर्स्ट में, अगर ICP डिजिटल टेक्नोलॉजी का रिटेलर आईडी लेते हैं तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट में रिचार्ज। जी हां दोस्तों, आप यहां से रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिए रिचार्ज वाला सेक्शन पर, देखिए दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहां से दोस्तों कस्टमर का मोबाइल नंबर, सेलेक्ट ऑपरेटर, सेलेक्ट सर्कल और इंटर अमाउंट डाल के कितना का रिचार्ज करना है, और यहां से प्रोसेस टू रिचार्ज पर क्लिक कीजिएगा तो उसका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, यहां देख सकते हैं दोस्तों, प्रीपेड और पोस्टपेड करना है तो सिंपली इस पर क्लिक करना है और सेम चीज़ फिल कर दीजिए, इंटर मोबाइल नंबर, ऑपरेटर, सेलेक्ट सर्कल, अमाउंट, प्रोसेस टू पे, इसका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहां देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहां से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर सकते हैं। यहां से DTH रिचार्ज कर सकते हैं, यहां से गैस का जो बिल होता है वो पे कर सकते हैं, यहां से वाटर का बिल पे कर सकते हैं, यहां से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहां से इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहां पैन कार्ड UTI से बना सकते हैं। दोस्तों यहां देखिए दोस्तों, इस जो मेन है दोस्तों वो देखिए, यहाँ PSICIC बैंक। जी हाँ दोस्तों, यहां से आप कस्टमर का मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में बता दें। फिर दोस्तों, आप इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिए देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आपके पास डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपके पास मंत्रा है या मोरफो है? अभी दोस्तों मेरे पास फिलहाल कोई भी डिवाइस नहीं है, मेरे पास है मंत्रा और सॉरी मोरफो है वो भी नहीं है। चलिए मैं यहाँ मोरफो पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मोरफो पर क्लिक कीजिएगा देख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख रहा है, डिवाइस नॉट फाउंड, कनेक्शन डिवाइस एंड रिट्राई, मतलब मेरे पास अभी डिवाइस कनेक्ट नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ इसको कट कर लेता हूँ। जैसे ही कट कीजिएगा आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, किसी का बैलेंस इंक्वायरी करना है तो सिंपली आपको यहाँ बैलेंस पर क्लिक करना है। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर, आधार नंबर यहाँ से सेलेक्ट बैंक करके यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसका बैलेंस इंक्वायरी हो जाएगा, आपका डिवाइस चलेगा, उस पर कस्टमर का फिंगर रख दीजिएगा, आपका बैलेंस इंक्वायरी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कैश विड्रॉ करना है तो सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना होगा और यहाँ दोस्तों मोबाइल नंबर कस्टमर का, यहाँ आधार नंबर, सेलेक्ट बैंक, किस बैंक में उसका अकाउंट है, यहाँ अमाउंट पे करके यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करना है तो उसका अभी निकल जाएगा, अब बोलते हैं निकल जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दोस्तों क्रेडिट कार्ड, केबल TV रिचार्ज हो सकता है, होटल बुक यहाँ से कर सकते हैं, बस बुक कर सकते हैं, यहाँ से फ्लाइट बुक कर सकते हैं, इंडो नेपाल मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से ICP लीगल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से इतना सर्विस आपको मिलती है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ से दोस्तों अपना QR कोड देख सकते हैं, यहाँ से दोस्तों मूव टू बैंक यानी पैसा को बैंक में मूव कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, यहाँ से आप अपना वॉलेट देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप अपना हिस्ट्री देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें अपना अगर आपको रिचार्ज का हिस्ट्री देखना होगा तो यहाँ क्लिक कीजिएगा। BBPS हिस्ट्री यानी कि भारत बिल पेमेंट सर्विस का हिस्ट्री देखना होगा तो यहाँ कीजिएगा। DMT हिस्ट्री आपको यहाँ देख पाइएगा, DTH रिचार्ज हिस्ट्री यहाँ से देख पाइएगा, क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री यहाँ से देख पाइएगा, इंश्योरेंस हिस्ट्री यहाँ से देख पाइएगा, पैन UTI हिस्ट्री यहाँ से देख पाइएगा, APS हिस्ट्री यानी कि मनी सॉरी APS हिस्ट्री यहाँ से देख पाइएगा, APS सेटलमेंट हिस्ट्री यहाँ से देख पाइएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन मिलेगा उसे प्रेस कर दें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ICP डिजिटल टेक्नोलॉजी का ID पासवर्ड देना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, उसी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक नंबर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।